गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहाचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले कुछ वीडियो में मांग क्या होती है, मांग के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में विस्तार से स्टडी किया था। उसी क्रम में आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं मांग तालिका क्या होती है और मांग वक्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम मांग तालिका की बात करते हैं। मांग तालिका दो प्रकार की हो सकती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। अगर एक ही व्यक्ति के द्वारा बाजार में जो मांगी जाने वाली मात्रा है उसकी हम टेबल बनाएं तो उसको व्यक्तिगत मांग तालिका कहा जाएगा, और बाजार में टोटल किसी वस्तु की जो डिमांड है उसके बारे में तालिका बनाएं तो उसको बाजार मांग तालिका कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए प्राइस ऑफ एप्पल, एप्पल का प्राइस 200 है, 200 से 100 हो गया, 100 से 60 हो गया, 60 से 50 हो गया। डिमांड फॉर ए व्यक्ति ही इज रिच फेलो। सपोज कीजिए ये व्यक्ति रिच है और मंथली एप्पल खरीदता है, या 5 खरीदता है ये 10 kg, या 20 kg, या वो खरीदता है 30 kg, या खरीदता है महीने की 35 kg। बी व्यक्ति की डिमांड फॉर ए, तो ये अगर हम देखें ये जो तालिका है इस तालिका को हम बोलेंगे व्यक्तिगत मांग तालिका। अगर देखिए इसी में डिमांड फॉर बी, बी व्यक्ति जो मिडिल क्लास है ये खरीदता है यहां 5 किलो, 100 रुपए की हो जाती है 10 किलो, 60 रुपए की हो जाती है तो ये 15 किलो खरीदता है, यहां 20 किलो खरीदता है। ये थर्ड जो है डिमांड फॉर सी, ये हम मान लीजिए पुअर फेलो है तो इस पर यह खरीदता नहीं है, इस पर 1 किलो खरीदता है, इस पर 2 किलो खरीदता है, इस पर 5 किलो खरीदता है। तो ये देखिए ये व्यक्तिगत मांग तालिका ए व्यक्ति के लिए, ये व्यक्तिगत मांग तालिका बी व्यक्ति के लिए, ये व्यक्तिगत मांग तालिका है सी व्यक्ति के लिए। अगर हम ये मान लें कि बाजार में केवल 3 ही व्यक्ति है तो बाजार मांग तालिका ऐसे निकलेगी। बाजार में मांग तालिका तो यहां देखिए प्राइस तो भाई 200, 100, 60, 50, तो यहां बाजार की मांग होगी डिमांड फॉर ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों की मांग का जोड़ होगा। तो यहां देखिए इस पर बिकने वाली है 10, 10 और 5, 15, ये बाजार की मांग है, यहां 31 बाजार की मांग है, यहां आपका 45 और 2, 47 बाजार मांग है, यहां आपका 55 और 5, 60 बाजार मांग है। तो इस प्रकार इसको हम बोलेंगे बाजार मांग तालिका, और ये जो हमारा होएगा ये हमारी कहलाएगी व्यक्तिगत मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका फॉर ए, फिर बी और सी के लिए। अब इसको ग्राफ से बनाएंगे। तो अगर जो डिमांड शेड्यूल है, जो मांग तालिका है, इसी को अगर हम वक्र से बताएं तो उसको मांग वक्र कहा जाएगा, यानी मांग तालिका के चित्रमय प्रदर्शन को ही मांग वक्र की संज्ञा दी जाती है। तो हम देखिए व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका, इस प्रकार व्यक्तिगत मांग वक्र हम बना सकते हैं। देखिए हम मान लीजिए ए व्यक्ति के लिए बनाते हैं, मांग मात्रा कीमत, कीमत को हमने वाई एक्स पे लिया, मांग मात्रा को एक्स एक्सिस पे लिया। तो यहां देखिए 200 रुपए पर खरीदे जाने वाली मात्रा है 10 और 50 रुपए पर खरीदी जाने वाली मात्रा है 35। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र को इसको बोलेंगे डिमांड फॉर ए। ये व्यक्तिगत मांग वक्र हुआ ए के लिए, इसी प्रकार बी का बन सकता है, इसी प्रकार सी का बन सकता है। इसी प्रकार देखिए बाजार मांग वक्र हम बनाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम लेंगे 200 रुपए की रेट, या हमने कीमत ली मांग मात्रा, तो यहां 200 रुपए की रेट पर बिकता है 15, तो ये रेट 200 और क्वांटिटी मांगी जाने वाली 15, और जब 50 रुपए की रेट है तो बिकता है 60, 50 रुपए की रेट पर बिकता है 60। तो ये जो होगा ये डिमांड कर होगा डिमांड फॉर ए प्लस बी प्लस सी, ये बाजार मांग वक्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से मांग तालिका वह तालिका होती है जो कीमत में मांगी जाने वाली मात्रा में
फंक्शनल रिलेशन को बताती है, और मांग वक्र जब मांग तालिका को ही हम वक्र के माध्यम से बताते हैं तो उसको मांग वक्र की संज्ञा दी जाती है। मांग वक्र ऋणात्मक होता है, जैसा कि हमने पहले कीमत कीमत मांग में भी पढ़ा था, कीमत बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा कम होती है, कीमत के घटने पर मांगी जाने वाली मात्रा घटती है, इस कारण से मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। थैंक यू।